नेक्स्ट पेज नंबर 219, लॉन्ग पेज नंबर 219, लॉन्गिट्यूड्स और मेरिडियंस। अब ये जो वर्ड्स है LONGITUDS, इसको लॉन्गिट्यूड्स भी बोल सकते हैं और लॉन्जिट्यूड्स भी बोल सकते हैं। बोथ द प्रोनाउंसिएशंस आर राइट। वन इज अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन एंड सेकेंड इज ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन। सो दोनों गलत नहीं है, बट वी विल प्रोनाउंस इट एज longitudes, okay? We will pronounce it as longitudes, okay? So, इसके पहले हमने देखा था sleeping lines, उसको हमने बोला था horizontal line, और वो horizontal lines का नाम था latitudes. अब हम देख रहे हैं standing line. Diagram में अगर आपको दिखेगा, तो perfect standing नहीं है, but थोड़ी बहुत curve है वो, but ऊपर से नीचे आ रही है, so उसको हम वर्टिकल लाइंस बोलेंगे। यस, खड़ी लाइंस है वो। सो उसको क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स थे स्लीपिंग लाइन, लॉन्गिट्यूड्स है स्टैंडिंग लाइन। ओके, सो लैटिट्यूड्स ऑफ पैरेलल्स ये पूरा नाम था, और लॉन्गिट्यूड्स और मेरिडियंस, ओके, ये दो नाम है। अगर लॉन्गिट्यूड आया तो वो भी राइट है। लॉन्गिट्यूड मतलब ही मेरिडियंस, लैटिट्यूड मतलब ही पैरेलल्स, पैरेलल मतलब ही लैटिट्यूड। दो नाम है तो वो कंफ्यूज नहीं होना है, ओके? तो अब हम पेज नंबर 219 पे देख रहे हैं लॉन्गिट्यूड्स, उसका दूसरा नाम है मेरिडियंस। द वर्टिकल लाइन्स ऑन द ग्लोब आर कॉल्ड longitudes और meridians. अभी मैंने बताया कि ये जो लाइन है स्टैंडिंग लाइन, उसको longitudes या फिर meridians बोलते हैं। longitudes आर सेमी सर्कल लाइन्स दैट रन फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। यस, ऊपर से नीचे आ रहे हैं और प्रॉपर स्ट्रेट लाइन नहीं है वो, थोड़ा सा क्या है, कर्व है, सेमी सर्कल है। Even these are measured in degrees, and there are 360 longitudes in total. और ये भी कैसे measure होता है? सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, लीटर में नहीं, ये भी डिग्री में ही measure करते हैं। और total कितने longitudes हैं? 360. Latitudes कितने थे? 181. और longitudes कितने हैं? 360. All the longitudes are of the same length. और ये जो जितने भी longitudes है वो पूरे कैसे है? Equal है। Latitudes equal नहीं थे, उनका distance कैसे था? छोटा छोटा होता हो रहा था। But meridians या फिर longitudes कैसे है? सब same length के है। As one moves from the equator to poles, the distance between एनी टू longitudes इंक्रीज। लेकिन जैसे ही हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं, अभी देखो इक्वेटर कहाँ है? बीच में, और पोल कहाँ है? ऊपर। देखो नॉर्थ में, देखो नॉर्थ में, देखो हाँ, या फिर साउथ को देखो, तो दोनों कोई भी दो लाइंस देखो, मतलब कोई भी दो मेरिडियंस देखो, उनका डिस्टेंस कैसे है? सेंटर में देखो मोटा है, और कोने में ऊपर और नीचे कैसा है? छोटा है। यस, सो इक्वेटर मतलब सेंटर में होता है ना इक्वेटर, तो इक्वेटर के पास वो उनका डिस्टेंस ज़्यादा है, और पोल्स जो कि ऊपर और नीचे है उनका डिस्टेंस वहाँ पे कम है। The maximum distance between two longitude is at the equator. और equator पे ही सबसे ज़्यादा distance है, center में। Equator कहाँ पे है? Center में। समझा? Next. Names and numbers of the names and numbers of the longitudes. A longitude passes through the Royal Observatory at Greenwich in London. In 1884, it was decided to start numbering the longitudes from these longitude. The longitude that
passed through Greenwich was marked 0 degree and named the prime meridian. The other longitude are on the east or west of the prime meridian. Like latitudes, longitudes also are drawn at an interval of 1 degree from each other. Okay. A longitude passes through a Royal Observatory at Greenwich in London. So, London में एक Royal Observatory के through एक longitude pass होती है. So, 1884 में decide किया गया कि वो longitude की numbering शुरू कर दी जाएगी. 1884 में ये decide हुआ, उसके पहले नहीं हुआ था. So, उसको 0 degree करके मार्क किया गया और फिर उसको नाम दिया प्राइम मेरिडियन. सो इट इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट मेरिडियन, बहुत इम्पॉर्टेंट लॉन्गिट्यूड है वो, नेम्ड एज प्राइम मेरिडियन. ओके. लाइक लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स आर ऑल्सो ड्रॉन एट एन इंटरवल ऑफ 1 degree फ्रॉम ईच अदर. जैसे कि हमने लैटिट्यूड में देखा था वो भी 1 degree और लॉन्गिट्यूड्स भी 1 degree. अ सर्कल हैज़ 360 degree, बराबर है. कोई भी कॉमन सर्कल जो होता है वो 360 degree का होता है. अ सर्कल इज ऑलवेज ऑफ 360 degree. सर्कल कैसे मेजर करते हैं? डिग्री में. कितने डिग्री का होता है सर्कल? 360. 180 लॉन्गिट्यूड्स are on the east of the prime meridian and 180 are on the west of the prime meridian. अभी ये जो prime meridian ये आपको diagram में दिख रहा है उसके left side में 180 meridians longitudes है और prime meridian के इस side पे, दूसरी side पे 180 लॉन्गिट्यूड से, मतलब मेरिडियन है. दे आर नंबर्ड एज 20 degree ईस्ट, 45 degree वेस्ट एंड सो ऑन. अभी ये ईस्ट वेस्ट में होते हैं. यस, हमने लैटिट्यूड्स देखे वो नॉर्थ साउथ बोलते हैं और लॉन्गिट्यूड्स के लिए ईस्ट वेस्ट. लॉन्गिट्यूड्स आर मेनली ड्रॉन टू डिटरमाइन द टाइम ऑफ अ प्लेस. और ये जो लॉन्गिट्यूड है उसका सबसे मेन काम किस लिए है? कि समय बताने के लिए, टू टेल अ टाइम, किसी जगह, टाइम ऑफ अ प्लेस, किसी जगह का टाइम बताने के लिए. ओके. पेज 220. द टाइम इन ग्रीनविच is taken as the mean time. It is called the Greenwich Mean Time or the GMT. So, वो जो Greenwich वाला time है, prime meridian, उसको Greenwich Mean Time बोलते हैं, GMT. You know that the Earth takes 24 hours to complete one rotation and covers 360 longitudes. आप सबको पता है कि अर्थ खुद घूमता है, उसको रोटेशन बोलते हैं. सो वो उसको 24 आवर लगते हैं एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए, मतलब एक पूरा दिन 24 घंटे का होता है. यस, सो वो जो होता है वो पूरे 360 गोल घूमता है ना, तो पूरे कितने लॉन्गिट्यूड्स घूमता है? 360 पूरे के पूरे.
पूरे के पूरे लॉन्गिट्यूड वो घूमता है। इट टेक्स 1 आवर टू कवर 15 लॉन्गिट्यूड्स, तो 15 लॉन्गिट्यूड्स घूमने के लिए कितना घंटा लगता है? 1 घंटा। फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन वी एडेड 1 आवर टू एवरी 15 लॉन्गिट्यूड्स ईस्ट, सिमिलरली सब्सट्रैक्ट 1 आवर फ्रॉम एवरी 15 लॉन्गिट्यूड्स वेस्ट। अब यहाँ पे एक सम दिया है आपके समझने के लिए, जो कि आपको खुद आप देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ इट इज 10 AM इन ग्रीनविच एट अ प्लेस ऑन लॉन्गिट्यूड 15 degree ईस्ट, द टाइम विल बी 11 AM एंड एट अ प्लेस ऑफ 30 degree वेस्ट इट विल बी 8 AM। सो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ये जो ग्रीन GMT है उसके थ्रू हम किसी भी चीज़ का टाइम पता कर सकते हैं। मैनी लॉन्गिट्यूड्स मे पास थ्रू अ कंट्री एंड एवरी लॉन्गिट्यूड हैज़ अ डिफरेंट टाइम ऑफ 1 आवर, सो देर मे बी टाइम जोन्स विद इन अ कंट्री। सो ये तो आपको पता ही होगा कि टाइम जोन्स होते हैं कंट्री के हिसाब से, सो वो इसलिए अलग अलग होते हैं। हम बोलते हैं ना हमारे यहाँ पे अभी इतने बजे है, तो वहाँ पे वो अलग अलग टाइम होता है हर कंट्री का। यस, वो इसी के वजह से होता है। टू अवॉइड सच कन्फ्यूजन्स एवरी कंट्री अडॉप्ट इट लोकल टाइम नोन एज द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ द कंट्री। सो हर देश का अपना एक टाइम होता है, लोकल टाइम, और उसको क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड टाइम ऑफ दैट कंट्री। द टाइम इन आवर कंट्री इज डिटरमाइंड टेकिंग द लॉन्गिट्यूड ऑफ अलाहाबाद। सो हमारे कंट्री का जो टाइम डिसाइड हुआ है वो अलाहाबाद के लॉन्गिट्यूड के हिसाब से हुआ है, जो कि 82.5 degree ईस्ट है, इनटू उसको ध्यान में रखते हुए लिया गया है। दिस इज़ द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एंड इट इज़ 5.5 hours अहेड ऑफ GMT। सो ग्रीनविच मीन टाइम के 5.5 घंटे आगे है हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। द लॉन्गिट्यूड 180 degree ईस्ट एंड 180 degree वेस्ट इज 1 single line। दिस इज कॉल्ड द इंटरनेशनल डेट लाइन। और अब एक लॉन्गिट्यूड है 180 degree ईस्ट और 180 degree वेस्ट, ये एक सिंगल लाइन है, उसको क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल डेट लाइन। और कैलेंडर डे स्टार्ट्स एंड एंड्स एट दिस लाइन। सो कैलेंडर का डे स्टार्ट और एंड यही से होता है। सो यहाँ पे हमारा लेसन ख़त्म होता है। अब नो मोर, द इंटरनेशनल डेट लाइन इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन। और ये जो इंटरनेशनल डेट लाइन है वो एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, इट इज़ बेंट एंड कर्व्ड। हमने देखा कि सब सारे सेमी सर्कल्स है, सो दैट द होल कंट्री रिमेन्स ऑन द सेम डे। लोकेट प्लेसेस ऑन द अर्थ। ऑन द ग्लोब यू कैन फाइंड द लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स इंटरसेक्टिंग ईच अदर फॉर्मिंग अ नेटवर्क, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट्स। अभी अगर आपने ग्लोब देखा होगा तो उस पर स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन, मतलब क्या, लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स है बराबर, और वो एक दूसरे को क्रॉस होकर जाते हैं बराबर, एक सर्टन पॉइंट पे चिपकते हैं, उसको हम इंटरसेक्टिंग बोलते हैं, इंटरसेक्ट होना। ओके, सो वो जहाँ पे इंटरसेक्ट होता है उसको कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। ओके, एंड द नेटवर्क इज नोन एज अ ग्रिड, और वो पूरे इंटरसेक्शन को ग्रिड बोलते हैं। दिस हेल्प अस लोकेट द प्लेसेस ऑन द ग्लोब और अ मैप, और इसके हिसाब से कोई भी जगह अगर हमको मैप और ग्लोब पे ढूंढनी है तो हम इजीली ढूंढ सकते हैं। टू लोकेट द प्लेस वी हैव टू नो द वैल्यू ऑफ द लैटिट्यूड एंड द लॉन्गिट्यूड, द पॉइंट वेयर दीज टू क्रॉस ईच अदर इज द लोकेशन ऑफ द प्लेस। सो ये आपको तभी समझेगा जब आप ग्लोब को अच्छी तरीके से हाथ में लेकर देखेंगे या फिर उसका पिक्चर देखेंगे। सो यहाँ पे हमारा फर्स्ट चैप्टर SST का ख़त्म हो गया है, जो कि एग्ज़ाम के लिए आने वाला है।
सो होप यू ऑल स्टडी वेल फॉर योर एग्ज़ाम्स। और इसकी जो एक्सरसाइज है वो मैं व्हाट्सएप के ग्रुप्स पे आपके फ़ोटो भेज दूँगी, सॉल्व्ड क्वेश्चन आंसर्स, वो आपको आपके CW नोटबुक में लिखनी है वो एक्सरसाइज। क्लियर? ओके, थैंक यू।